हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ अदचिनी दिल्ली में आ गए हैं। इलेक्ट्रिक वन, आप यहाँ से बोर्ड भी देख सकते हैं, जो कि एक मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम है। यहाँ पर आपको सारे ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक मिलने वाले हैं और हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं एक लो स्पीड स्कूटर का। आइए चलते हैं अंदर। आप यहाँ जैसा कि देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको ढेर सारे स्कूटर मिलने वाले हैं, कॉस बाइक बैटरी और भी ब्रांड के आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलने वाले हैं। अभी जो अवेलेबल आपको बैटरी कॉस बाइक का मिलने वाला है और हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं आज एक लो स्पीड स्कूटर का, जिसमें ना कि आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है ना ही ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। पहले हम इसका वॉक अराउंड करेंगे, देखेंगे कि ये देखने में कैसी लगती है, बाकी इसके हम फीचर्स को भी डिटेल में जानेंगे। तो फ्रंट से आप देख सकते हैं कम्प्लीटली सिंगल कलर में आती है, ग्लॉसी ब्लैक कलर में आने वाली है। फ्रंट लुक इसका ऐसा आने वाला है। इसमें आपको लाइट जो है LED सेटअप में ही मिलने वाले हैं। और राइट साइड आ जाते हैं तो राइट साइड से जो इसका अपीयरेंस आता है कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर आपको स्टिकर वर्क मिल जाएंगे कुछ। और ये रहा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का रियर सेक्शन व्यू, लाइट वगैरह भी देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड से इस बाइक का प्रोफाइल कुछ ऐसा बनता है। और यहाँ पर आपको लेडीज़ फुटेज मिल जाते हैं, डबल स्टैंड साइड स्टैंड दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रंट से आप देख सकते हैं ये सिंगल कलर में ही ग्लॉसी ब्लैक कलर बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ ही आने वाली है। ऊपर दोनों साइड से स्टार्ट करेंगे तो दोनों साइड से आपको रियर व्यू मिरर मिलने वाले हैं, यहाँ से इंस्टॉल हो जाएंगे। अपर काउल का डिजाइन इस तरीके से थोड़ा आपको वाइडर मिल जाता है, डिजाइन वगैरह देखेंगे तो यहाँ थोड़ा एलिवेटेड एरिया मिलेगा। ऊपर में ही आपको दोनों साइड से DRL लाइट मिलते हैं, इनका डिजाइन आप देखेंगे तो दोनों साइड से ऐसे आ जाते हैं। और ये आ जाता है साइड इंडिकेटर। और नीचे आ जाते हैं तो बीच में देखेंगे यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड डिजाइन मिलने वाला है। यहाँ पर बैटरी का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है। बीच से आपको थोड़ा एलिवेटेड डिजाइन कुछ इस तरीके से मिलता है और ओवरऑल फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे आ जाता है। और ये आ जाता है इसका मेन हेडलैम्प, जिसमें कि LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार हम सारे लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, ऑन होने के बाद देखते हैं किस तरीके से ये अपीयर होती है और लाइट वगैरह कैसा मिलता है। तो यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं, साइड इंडिकेटर ये रहा, लाइट को ऑन करते हैं तो देखिए ये DRL लाइट आ जाता है, साइड इंडिकेटर कुछ इस तरीके से आ जाता है और मेन हेडलैम्प को भी ऑन। वाओ, रोशनी आपको बहुत ही शार्प विजन मिलने वाला है, यानी डार्क एरिया में भी जाएंगे अंधेरा है तो भी आपको रोशनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट में देखेंगे मडगार्ड इसका कुछ इस डिजाइन में आपको सिंगल कलर में ग्लॉसी ब्लैक में ही दिया गया है। और रियर सेक्शन थोड़ा आपको नैरो में दिया जाता है, स्पोर्टी डिजाइन में दिया गया है ये। और इसका सस्पेंशन देखेंगे तो ये रबर ग्रिप के साथ इस तरीके से आता है, फोक टाइप हाइड्रोलिक सस्पेंशन फ्रंट में दिया गया है। अब इसका हम टायर देख लेते हैं तो टायर हमें मिलता है C8 ब्रांड का मिलता है 10 इंच डायमीटर में। और अगर इसका व्हील देखें तो व्हील आपको अलॉय व्हील में दिया गया है ब्लैक कलर में। और ऊपर पेरिफेरी पर देखेंगे तो सिल्वर कलर का इस तरीके से डिजाइन दिया गया है, जो कि इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है, लुक भी अच्छा मिलता है आपको। और फ्रंट ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिलता है इसमें और कैलिपर बैटरी का ही मिलने वाला है इसमें। फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज आ जाता है 220 mm। और अब राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो राइट साइड दोनों साइड से देखेंगे तो कॉर्निंग रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, साइड रिफ्लेक्टर, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है, लेग स्पेस। एक बार बैठ कर भी देखते हैं, देखिए कि लेग को स्ट्रेच भी कर सकते हैं आप इस तरीके से कि कंफर्टेबल राइड होगा। थोड़ा लंबा जर्नी भी करना होता है तो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। और ग्रिप भी इस तरीके से दिया गया है, स्लिपी नहीं है, ग्रिप अच्छा बन जाता है। ये आ जाता है प्लेन के लिए फुटरेस्ट, एडिशनल में एक यहाँ पर भी फुटरेस्ट मिल जाता है जो कि लॉकेबल है इस तरीके से। और ये कार्बन ब्लैक फिनिश में दिया गया है। और यहाँ रियर में देखेंगे तो ये यहाँ से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ये लॉकेबल है इस तरीके से कि डस्ट और वाटर वगैरह ना जाए। और इसके फ्रंट सेक्शन में देख लेते हैं तो यहाँ पर की पॉइंट दिया गया और इसमें देखिए इस तरीके से दो की दिए गए हैं और दो रिमोट दिए गए हैं, इसको हम बाद में भी देखेंगे। और ग्लव स्पेस इतना दिया गया है दोनों साइड से कि सामान वगैरह बॉटल वगैरह या मोबाइल वगैरह रखना चाहें तो आराम से इसमें रख करके कैरी कर सकते हैं। फ्रंट में एक हुक भी दिया गया है बैग वगैरह कैरी करने के लिए। और थोड़ा पीछे आ जाते हैं तो ये देख सकते हैं सिंगल कलर में ही ये स्कूटर पूरी आती है। यहाँ पर स्टिकर वर्क में आपको फ्रॉम बैटरी विद इन लो EV, ये ब्रांड नेम ही आपका इसका आ जाता है, लो EV आता है। और नीचे देखेंगे तो दोनों साइड से इस तरीके से ग्लॉसी ब्लैक में पैनल दिए गए हैं, जिससे कि इसको लुक भी अच्छा मिलता है और कवरिंग भी मिल जाता है। और रियर टायर वगैरह देखेंगे तो रियर टायर का साइज़ भी आपको सेमी मिलने वाला है 10 इंच डायमीटर में। और मोटर भी आपको रियर व्हील के साथ ही मिलने वाला है, उसको हम बाद में देखेंगे कैसा मोटर मिलता है। और रियर ब्रेक भी आपको डिस्क ब्रेक में ही मिलने वाला है, 220 mm मिलेगा, जिसका कैलिपर आता है, बैटरी का ही आने वाला है। और अगर रियर सस्पेंशन देखें तो रियर सस्पेंशन हमें मिलता है एडजस्टेबल हाइड्रोलिक कॉयल ओवर मिलने वाला है। और इसका सीट देख लेते हैं तो सीट का क्वालिटी भी देख सकते हैं आपको 2 लेयर में ये मिलने वाला है इस तरीके से। और ये डॉट डॉट में आता है, जिससे कि ग्रिप वगैरह बैलेंस
और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होता है जिससे कि राइडर को कंफर्ट मिले। और यहाँ से आपको स्टिचिंग वर्क दिया गया है, सीट ज़्यादा लंबा तो नहीं, आपको ठीक ठीक साइज मिल जाता है कि दो लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आपको बैटरी का ब्रांडिंग भी किया हुआ मिलने वाला है। और इसका ग्रैब बार आप देखेंगे थोड़ा आपको लंबा इस तरीके से दिया गया है, मेटालिक में दिया गया है, ब्लैक कलर में दिया गया है। और रियर सेक्शन में आ जाते हैं तो रियर सेक्शन का लाइट वगैरह देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलने वाला, सेंट्रल आपको रेड में मिलेगा और बाकी ऑरेंज बल्ब के साथ आ जाते हैं साइड इंडिकेटर। और टेल लाइट में भी आपको बल्ब का इस्तेमाल किया हुआ मिलने वाला है। और ये आ जाता है डमी फॉर्म में नंबर प्लेट, इसे आ जाता है ओवरऑल डिज़ाइन इस तरीके से। एक बार लाइट को भी ऑन कर लेते हैं कि रियर सेक्शन लाइट ऑन होने के बाद किस तरीके से दिखने वाली है, तो ब्रेक वगैरह भी प्रेस करके देखिए कुछ इस तरीके से ही आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड का भी आपको इस तरीके से स्टिकर वर्क मिल जाता है। और ये आ जाता है लेडीज फुट रेस्ट, इस तरीके से इसको लॉक भी कर सकते हैं, मेटालिक में दिया गया है। और इसमें साइड स्टैंड डबल स्टैंड दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं। और ये प्लान के लिए फुट रेस्ट यहाँ पर भी दिया गया है, यानी कि दो मिल जाते हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और लेफ्ट साइड फ्रंट में आ जाते हैं तो इस साइड का ग्लव स्पेस आपको थोड़ा वाइडर मिल जाता है कि बॉटल वगैरह भी बड़े आराम से रख सकते हैं। और यहीं पर आपको मिल जाता है यूएसबी पोर्ट जहाँ से मोबाइल वगैरह चलते फिरते भी आप चार्ज कर सकते हैं, आपका काम नहीं रुकने वाला है। यूटिलिटीज, टायर, ब्रेक वगैरह सब देखने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें हमें मोटर कैसा मिलने वाला है और कहाँ पर है। तो पहले भी जैसा हमने बता दिया है कि आपको रियर व्हील के साथ ही यहाँ पर इसका मोटर मिलने वाला है। BLDC हब मोटर मिलेगा 250 वाट में, जो कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस है, यानी बारिश वगैरह भी होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, उसमें भी आप आराम से चल सकते हैं। अब हम इसका बैटरी देख लेते हैं। तो बैटरी इसका जो है सीट के नीचे मिलने वाला है। सीट को ओपन करने के लिए आप की से ओपन कर सकते हैं, की को भी देख लेते हैं। दो की इसमें मिलते हैं, दो रिमोट मिलते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से इग्निशन के लिए है, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। और एंटी थेफ्ट सिस्टम भी इसमें दिया गया है। और एक बार ओपन करते हैं सीट को, सीट को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे यानी एंटी क्लॉक, तो ये ओपन हो जाता है इस तरीके से। और आपको इसमें बूट स्पेस भी ठीक ठाक मिल जाता है कि आप इनफैक्ट देखते हैं कितना मिलता है। वाओ, एक चीज़ और हमसे छूट गया था कि ये बैक रेस्ट भी ये यहाँ पर इंस्टॉल करा सकते हैं, यानी कि अगर इस तरीके से आता है तो प्लेन के लिए बैक रेस्ट भी मिल जाता है, जो कि कंफर्टेबल लॉन्ग राइड करते हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। और ये आ जाता है इसका चार्जर, जो कि इसका भी साइज़ आप देख सकते हैं पोर्टेबल है, आराम से कैरी कर सकते हैं आप इसमें भी रख करके। और ये मिरर है इसमें दिया गया है। और इतना बूट स्पेस मिलता है, इनफैक्ट मुझे तो लगता है एक फुल फेस हेलमेट ही आराम से रख सकते हैं, काफ़ी डेप्थ मिल जाता है इसमें। तो इसको यहाँ से इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। और इसका बैटरी यहाँ पर प्लेस है, ये डिटैचेबल बैटरी है जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। कई बार हम सेकेंड थर्ड फ्लोर पर हैं और ग्राउंड फ्लोर पार्किंग एरिया में है, पॉइंट नहीं है तो वहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते, इसको आप यहाँ से डिटैच कर सकते हैं। और इसको हैंडल भी दिया गया, रिमूव करके आप चार्ज करके फिर से यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरीके से अटैच हो जाता है। और MCB को ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर MCB दिया गया है। और ये बैटरी आती है, ये लिथियम आयन बैटरी है और 48 वोल्ट 30 Ah में बैटरी आने वाली है। तो इसको इस तरीके से आप बूट स्पेस तो देख ही लिया आपने, हेलमेट वगैरह भी आराम से रख सकते हैं। अब हम इसका मीटर कंसोल देखते हैं। तो ये आपको फुल्ली डिजिटल मिलने वाला है, ये डिस्प्ले यहाँ से देख सकते हैं। एक बार ऑन कर लेते हैं तो ऑन होने के बाद ये मल्टी कलर में इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा मिलने वाला है आपको। ऑन करने के साथ ये पार्किंग मोड में है और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, गियर इंडिकेशंस मिल जाते हैं, बैटरी का बार के टर्म मिल जाता है और बाकी लाइट और यहाँ से देखेंगे इंडिकेटर वगैरह का यहाँ से मिल जाता है इंडिकेटर का। और स्विचेज देखते हैं तो लेफ्ट हैंडल बार पर आपको चार स्विच दिए गए हैं, यहाँ हाई लो बीम के लिए दिया गया है और ये आ जाता है साइड इंडिकेटर के लिए, हॉर्न के लिए। और यहाँ पर एक क्रूज कंट्रोल दिया गया है, इसको भी हम देखेंगे क्रूज कंट्रोल क्या होता है बेसिकली। और राइट साइड में आप भी आपको चार स्विच मिलने वाला है, यहाँ से लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है पार्किंग मोड से रिमूव कर, जिससे भी पार्किंग मोड में इसको आप प्रेस करेंगे तो ये पार्किंग मोड से रिमूव होकर रेडी मोड में आ जाता है। और ये दिए गए हैं यहाँ पर मोड, यहाँ से जैसा देख सकते हैं यहाँ से इंडिकेशन सेकंड मोड में आ गए, अब ये थर्ड में आ गए। तीन मोड दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल बाइक वगैरह में आपको गियर मिलते हैं वैसे इसमें मोड होते हैं, चेंज कर सकते हैं आप। और ये रिवर्स मोड में दिया गया है, इसको प्रेस करके आप थ्रोटल देंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट इसमें 5 किलोमीटर के आसपास का मैक्सिमम स्पीड मिल जाता है। और क्रूज कंट्रोल को देखते हैं तो क्रूज कंट्रोल जैसे आप थ्रोटल देते हैं, ये रहा क्रूज कंट्रोल का स्विच, सपोज 22 आ जाता है, अब छोड़ देते हैं। देखिए ये क्रूज कंट्रोल में क्या है कि आपको थ्रोटल हमेशा देने की जरूरत नहीं है, अगर हाईवे वगैरह पर जा रहे हैं तो कंफर्टेबली जा सकते हैं ऐसे। जैसा कि हमने ऑलमोस्ट डिटेल इस स्कूटर के बारे में शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ, तो हमारे साथ हैं शुभम भाई,
आपका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो कुछ और जानकारी लेते हैं इस स्कूटर के बारे में, जैसे इसमें हमें कलर ऑप्शंस क्या क्या मिल जाते हैं? सर, 8 कलर इसमें अवेलेबल हैं जी। जो अभी हम मंगा रहे हैं वो ब्लैक है, ग्रे है, रेड है, वाइट है, ये 4 कलर ही अभी हम मंगा रहे हैं। और अगर किसी के दूसरे कलर में भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल करा दिया जाए? हाँ जी सर, 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, वो अवेलेबल हो जाता है जी। और इसमें हमें टॉप स्पीड वगैरह कैसा मिलता है, रेंज, टॉप स्पीड, ये सब? सर, रेंज ये लो स्पीड है, इस पर ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आपको पता है नहीं जी, तो 25 की स्पीड मिलती है सर। हाँ, ऑब्वियसली हमें इसमें रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो टॉप स्पीड तो 25 का ही होगा। 12 साल से लेके कोई भी इसको ईजिली चला सकता है घर में। जी जी बिल्कुल, स्पेशली ये स्टूडेंट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है जिनके पास लाइसेंस। बिल्कुल सर, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके माता पिता लेके आराम से उनको दे देते हैं, क्योंकि उनको सर डर नहीं होता कि हाई स्पीड पे लड़का भगाएगा नहीं। आजकल के बच्चे घूम घूम करके भगाते, तो वो सब चीज़ें वो भी सेफ हो जाता है, पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और बैटरी वगैरह क्या है इसमें, चार्जिंग टाइम वगैरह कितना लग जाता है या यूनिट कंजक्शन? सर, यूनिट कंजक्शन होता है 1.5, मतलब 10 से 11 रुपए में आप 70 किलोमीटर की रनिंग कर सकते हैं। रेंज इसका 70 कहा जाता है? हाँ जी सर, तो काफ़ी हो जाता है 70 किलोमीटर, यानी कि नॉर्मली अगर हम 20-25-30 किलोमीटर पर डे जाते हैं 2 दिन के लिए तो। बिल्कुल सर, लोकल के लिए सबसे बेस्ट है। और चार्जिंग टाइम इसका 4 to 1/2 hours, 4 से 4.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा, अभी तो मुझे तब 5 आवर तक लगेगा। हाँ जी हाँ जी लास्ट जी। तो इसमें हमें वारंटी वगैरह, जैसे मोटर है, बैटरी है, या कैसा मिलता है इस पर? सर देखो, बैटरी की वारंटी इसकी होती है 3 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी होती है। ओके। बाकी जो आपका मोटर है वो 2 साल का होता है जी, और जो इसका कंट्रोलर कन्वर्टर है वो 1 साल की, और चार्जर जो इसका 18 महीने की वारंटी होती है। ओके। हाँ जी सर, क्योंकि जल्दी से ये चीज़ें ख़राब नहीं होती और एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए कंपनी इसकी वारंटी देती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो यही मेन चीज़ें हैं आपको, मोटर, बैटरी, कंट्रोलर। बिल्कुल ऑब्वियसली, बिल्कुल जी। तो सारा डिटेल हमने इस स्कूटर के बारे में शेयर कर दिया है, और बाय द वे कोई चीज़ हमसे छूट गई तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और लास्ट में हम देख लेते हैं इसका प्राइस क्या आता है, इसका प्राइस कितना आ जाता है? सर इसका ऑन रोड प्राइस है 81,500। 81,500 इंक्लूडिंग एवरीथिंग? हाँ जी एवरीथिंग। इसमें इंश्योरेंस वगैरह भी होता है क्या? इंश्योरेंस सर अलग से करवाना पड़ता है, 5,000 का होता है। अच्छा, 5 साल का। अच्छा, तो यहाँ का आप कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर दीजिए, और ये है कहाँ पर, जिससे कि फर्दर यदि किसी को लेना है या क्वेरी करनी है तो कर सकें। और अभी सर ऑफर भी चल रहा है इस पर जी, बता दीजिए। 5,000 का ऑफर है, कोई भी परचेज करता है तो, और कल तक परचेज करते हैं तो 7,500 का डिस्काउंट है। अगर कल तक करते हैं तो 7,500 का है, उसके बाद भी 5,000 का है। 5,000 का जी। तो यहाँ का प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर दीजिए। तो सर इसका एड्रेस है दिल्ली अर्चनी नियर कोटक महिंद्रा बैंक। और कॉन्टैक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर सर इसका होने वाला है 8800219112। ओके, जैसा कि यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर दिया गया है, फर्दर क्वेरी आप कॉल करके या विजिट करके कर सकते हैं। तो ये स्कूटर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स, बाय बाय। थैंक यू।